वेलकम बैक। तो आज का प्लान ये है दैट आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू ऑल माय फर्स्ट पेंटिंग। सो इट्स गोइंग टू बी सम ब्यूटीफुल चाइल्डहुड मेमोरीज, सम हार्ट टू हार्ट टॉक, बट बिफोर दैट आई जस्ट थॉट लेट मी गेट कम्प्लीटली फ्री। सो सबसे पहले आई विल बी टेकिंग यम्मी एंड टी फॉर अ वॉक, हैव माय ब्रेकफास्ट एंड देन जॉइन यू बैक। सो लेट्स गो। और अब मैं अपनी पेंटिंग अनबॉक्स करने वाली हूँ जो कि इस कार्डबोर्ड में मैंने रखी हुई है। तो इस बार जब हम लोग छुट्टी गए हुए थे घर पे मेरे होम टाउन में, जो मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया था पहले वाले, तो वहाँ पे मैं अपनी ये पेंटिंग लेके आ गई थी बिकॉज आई वांटेड टू शेयर विथ यू माय फर्स्ट पेंटिंग। तो इसे दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज हैं इस पेंटिंग के पीछे। बचपन का वो टाइम जब आपको कुछ पता नहीं होता है पेंटिंग के बारे में कि क्या आर्ट सप्लाईज होती हैं, यू नो कौन से कलर्स होते हैं, लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, यू जस्ट वॉन्ट टू पेंट समथिंग। तो इस पेंटिंग को पेंट करने के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि पहले बचपन में तो स्कूल वूल वाले पेंटिंग्स बहुत होते थे, साथ साथ मैं अनबॉक्स भी करती रहती हूँ। तो क्या होता था कि बचपन में जैसे स्कूल होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें मैं बहुत सारी पेंटिंग करती रहती थी, पर ये मेरी एक ऐसी पेंटिंग थी जिसको कि मैंने सबसे पहले फ्रेम करवाया था। तो बचपन में क्या होता था कि हमारे पास ये यूट्यूब वगैरह उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, ये ट्यूटोरियल्स वगैरह कि आराम से आप पढ़ सकते हैं या कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं, किसी से ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे को याद है मैं गूगल में इंटरनेट में किसी कैफे में चले जाती थी और वहाँ पे बस प्रिंट आउट निकाल लेती थी जो भी मुझे पसंद आता था। आई रिमेम्बर आई टू राइट बेस्ट पेंटिंग्स, मोस्ट फेमस पेंटिंग्स और जो भी उसमें मुझे पसंद आता था वो मैं आई टू जस्ट यामू आप इसे अनबॉक्स करना बंद करो प्लीज़। तो मुझे याद है कि मैं बस कुछ भी प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेती थी। तो एक बार क्या हुआ, कैलेंडर हमारे घर में आया था तो उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स थी और उसके प्रिंट्स बहुत अच्छे थे। तो इमेजिन करें मेरे पास एक बहुत अच्छा डिजिटल प्रिंट था मेरे सामने, तो उसे कॉपी करने में मुझे लगा कि वाओ ये तो बहुत इजी होगा क्योंकि सारे कलर्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा था। तो ये वही कैलेंडर से मैंने सारी की सारी पेंटिंग्स ऑलमोस्ट रिक्रिएट की थी। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग्स थी उसमें उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि पता नहीं कौन कौन से आर्टिस्ट हैं। तो आई रिमेम्बर मैंने उस टाइम उस कैलेंडर को देख के बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी। तो इसे मैं जल्दी से खोलती हूँ एंड देन आई जस्ट जॉइन यू। मम्मा का पहला पेंटिंग है बाबू, ऐसे नहीं करते, दिस इज नॉट अ टॉय। हो देन दिस इज इट। ओहो इसमें कितनी ज्यादा डस्ट है। सो दिस इज माय फर्स्ट पेंटिंग गाइस, दिस इज हाउ आई पेंटेड माय फर्स्ट पेंटिंग। सो जस्ट हैव अ लुक एट इट, इट इज सो ओ नो बाबू, यमू बार बार इसमें चढ़ जा रही है। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये कैनवस क्या होते हैं या ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट किस में पेंट करते हैं। तो मैं एक ग्लॉसी पेपर, एक चार्ट पेपर लेके आई हुई थी और उसको मैंने इन पीसेस में कट किया था। और इसकी आप ये बीडिंग देखिए, ये कितनी ओल्ड फैशन है। आई डोंट थिंक कि अभी तो ये मिलती भी होगी ऐसी टाइप की बीडिंग्स वगैरह। सो ये उस कैलेंडर में से मेरी पहली पेंटिंग थी जो मैंने पेंट की थी और रिक्रिएट की थी। और ये मैंने बनाई थी एक्रेलिक कलर से और बैकग्राउंड देखिए बिल्कुल भी ब्लेंडिंग हो ही नहीं पा रही थी बिकॉज वो ग्लॉसी पेपर था एंड आई हैड नो आइडिया कि ये पता नहीं कैसे ये आर्टिस्ट वगैरह ब्लेंड करते हैं। तो ये थी मेरी पहली पेंटिंग जिसको कि मैंने फ्रेम किया था। आई रिमेम्बर मैंने अपनी पॉकेट मनी से वो सारी पेंटिंग्स फ्रेम की थी और आज तक वो मेरे घर पर लगी हुई हैं। तो ये बहुत बचपन की बात है, आई थिंक जब मैं फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड में थी तब मैंने ये सारी पेंटिंग्स बनाई थी, कुछ समर ब्रेक या कुछ था आई रिमेम्बर। तो मैंने घर में सारी पेंटिंग्स बनाई थी जो आज तक मेरे घर पे लगी हुई हैं। तो इन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है, पुरानी सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं जब घर जाती हूँ। तो ये थी मेरी पहली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी जो कि या तो फिर बुकरम में बनी थी या तो फिर ग्लॉसी पेपर में बनी थी। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरी पहली कैनवस पेंटिंग्स जो कि मैंने 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद, जो छुट्टी वगैरह होती है ना, तो उस टाइम पे मैंने ये सारे कैनवस बोर्ड्स बनाए थे। सो लेट मी जस्ट शो यू देम एज वेल। सो दिस वॉज माई फर्स्ट कैनवस पेंटिंग, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, आई एम श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी इसे इंटरनेट में ज़रूर देखा होगा।
सो ये मैंने बनाई थी. इसके साथ साथ आई ऑल्सो पेंटेड दिस वन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई पेंटिंग्स दैट आई पेंटेड ऑन कैनवस. तो ये सारी पेंटिंग्स मुझे ना इंटरनेट में मैं देखती थी और मुझे बहुत पसंद आती थी. तो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डू इट. आई जस्ट यूज्ड टू रिक्रिएट देम. दिस वॉज द हॉर्स पेंटिंग दैट आई पेंटेड. पता नहीं आप लोगों को दिख भी रही है कि नहीं. सो दिस वॉज द पेंटिंग दैट आई पेंटेड, हॉर्स पेंटिंग. सो अगैन समथिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट यू नो बचपन में जब हम लोग छोटे होते हैं तो सबके सब पेंटिंग्स को रिक्रिएट करते हैं. यू नो किसी ना किसी वे में हम सब ने किसी ना किसी से सीखा ही है. तो मैं जब इंटरनेट में ये सब पेंटिंग्स देखती थी तो मुझे लगता था कि वाओ कभी मैं भी इन पेंटिंग्स को बना पाऊंगी या आई जस्ट वॉन्ट टू पेंट देम सम डे. तो मैं क्या करती थी कि जो भी प्रिंट आउट्स होते थे ना उन्हें निकाल लेती थी गूगल से जो भी मुझे पसंद आते थे और ये पेंटिंग्स बनाती थी. ये सारी की सारी रिक्रिएटेड पेंटिंग्स हैं. दे आर नॉट यू नो माय ओरिजिनल क्रिएशन. ऑलराइट, सो दीज वर माय पेंटिंग्स दैट आई पेंटेड एज अ चाइल्ड. ये सब पेपर में और कैनवस में बनाई हुई थी. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट देम वॉज दैट दे आर ब्यूटिफुल लर्निंग्स फॉर मी. दे आर वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज दे वर माई फर्स्ट पेंटिंग्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज आई थिंक यू नो वी ऑल स्टार्ट एज एमेच्योर आर्टिस्ट. हम सब बहुत ही एमेच्योर पेंटिंग्स बनाते हैं बचपन में और धीरे धीरे विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क यू नो वी हैव टू गिव टाइम टू आवर आर्ट वर्क एंड स्किल्स यू नो देन ओनली दे इम्प्रूव. सो वन थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू यू नो शेयर विथ यू ऑल इज दैट यू नो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर आर्टिस्ट और नेवर लेट योर सेल्फ योर कॉन्फिडेंस गो डाउन वेन यू यू नो डोंट सी द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. यू कैन ऑलवेज कंपेयर योर वर्क विद योर प्रीवियस वर्क बिकॉज यू नो वी आर ऑल इन दिस ब्यूटिफुल आर्ट जर्नी. आई बिलीव इज दैट यू नो ऑलवेज बी अ स्टूडेंट. आई थिंक दैट आई एम अ फॉरएवर स्टूडेंट. द टाइम वेन आई स्टार्ट till now the only aim that I have always is you know to just keep learning as much as I can, to keep exploring you know new art forms, new kind of inspirations around me, and that really helps me in you know improving my skills. Just remember that this is something that will come with time and with practice. So yeah, keep enjoying it and take art as fun as art therapy and you'll be great at it. So if in case you also wish to share with me your first creation, you can always tag me on my Instagram and I'll see you very soon in my next video. Till then, take care and thanks for watching.